नमस्कार, मैं हूं मुकेश झा। आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट न्यूज। दिनांक 1/10/2021 को बिहार के शिवहर जिला के डुमरी कटसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज श्यामपुर भटहां से मुखिया पद के भावी प्रत्याशी प्रकाश कुमार उर्फ गोलू सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जैसे ही समर्थकों के पास अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद पहुंचे, वैसे ही पूरे समर्थकों ने जन सैलाब के साथ फूल माला के साथ जमकर स्वागत किया और वहीं नारा जयकारा से गूंज उठा। यह दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर समर्थकों की पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा था और किस प्रकार से कैसे स्वागत किया, आइए दिखाते हैं इस वीडियो को। मुखिया पद के भावी प्रत्याशी प्रकाश कुमार उर्फ गोलू सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ट्रू फैक्ट न्यूज पर उन्होंने किस प्रकार से लोगों को समर्थकों के बीच में किस प्रकार से उन्होंने दिए जन संवाद अपने पंचायत के तमाम जनता को, आइए सुनते हैं भावी प्रत्याशी प्रकाश कुमार उर्फ गोलू सिंह की ये रिपोर्ट। 15 साल से एक ही व्यक्ति का पद पर कब्जा होने के कारण पंचायत का कुछ काम ही नहीं हुआ और पंचायत का विकास जरूरी है, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। लोग को बहुत ही परेशानी है, लेकिन इस बार परिवर्तन का लहर पूरे पंचायत में है। किसी भी हद में परिवर्तन इस बार होगा, इस बार परिवर्तन होना ही सामने। वहीं दूसरा प्रत्याशी डुमरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज नया गांव पूर्वी से साधना देवी ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल की और नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद अपने निजी आवास पर आकर लोगों को किस प्रकार से जन संवाद दे रही है और क्या कह रही है, आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट, जो कि ग्राम पंचायत राज नया गांव पूर्वी से मुखिया पद के भावी प्रत्याशी हैं साधना देवी। दबे कुचले लोगों को लेकर आगे बढ़ना, कुछ दिनों से यहाँ का कुछ लोगों ने मेरा हिम्मत तोड़ने का काम किया है, लेकिन नारी में बहुत शक्ति है। नारी अगर अटल रहेगी तो सब कुछ कर सकती है, नारी को कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे देवर और मेरी सास 15 साल से यहाँ का मुखिया है, उन लोगों से कुछ काम अधूरा रह गया, वही काम को अंजाम देने के लिए जनता के कदम से कदम मिलाकर समस्त कंधा मिलाकर मुखिया प्रतिनिधि सत्यनारायण सिंह ने भी किस प्रकार से लोगों को जनसंवाद दिया। पहले तो उस विश्वास को
बनाने में भी विश्वास घटता चला जा रहा है। शिक्षा, शिक्षा के बगैर किसी भी विकास की कल्पना करना जो है पूरी बकवास है। इसलिए पहला लक्ष्य होगा शिक्षा, कैसे जो है अगर निरक्षर लोग रह गए हैं कैसे उनको साक्षर बनाया जाए। स्कूलों में, विद्यालयों में देखा जा रहा है कि शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है, उस स्तर को कैसे ऊंचा से ऊंचा उठाया जाए, पहला फोकस शिक्षा पर होगा। उसके बाद रोड, बिजली, नाली, ये सब चीज़ों को देख रेख किया जाएगा। पूरा समाज के आखिरी पायदान पर जो लोग हैं उनको कैसे उठा करके पहले पायदान पर लाया जाए, इस दिशा में इस बार अगर जनता आशीर्वाद देती है तो इस दिशा में जी जाए। हमारे हमारे आईना आपके पास, आप बने रहे ट्रू फैक्ट न्यूज के साथ।